नमस्कार, मैं राजीव मिश्रा स्वच्छ दुनिया परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। कोशिश यही रहती है हर बार कि हम कुछ नई प्रतिभाओं से आपको मिलाएं, और इस प्रतिभा को मिलाने के लिए एक बार फिर से हम आपके समक्ष उपलब्ध हैं विकास अवस्थी जी के साथ। विकास अवस्थी जी प्रवक्ता हैं, JPRN इंटर कॉलेज जाजमऊ में इतिहास विषय पढ़ाते हैं, लेकिन इतिहास विषय पढ़ाने के साथ ही साथ आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। बहुत सारा समाज हित का भी काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई, किताबें, पुस्तकें प्रकाशित करना, लिखना लिखाना, ये सब तो इनकी हॉबी में है ही, लेकिन इनसे ज़्यादा जानकारी विकास अवस्थी जी हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, तो ज़्यादा जानकारी इनके ही मुँह से सुनते हैं। अवस्थी जी, स्वागत है आपका स्वच्छ दुनिया में। जी धन्यवाद। तो मैं चाहता हूँ कि जरा बताएं कि आप कहाँ से, जो है मूल संपर्क कहाँ से है, मूल निवास कहाँ से है आपका? हाँ, मैं विकास अवस्थी, मूल निवासी रायबरेली जिले का मिसिरखेड़ा गांव, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, और इस समय मैं जाजमऊ में JPRN हमारे इंटर कॉलेज जाजमऊ में प्रवक्ता पद पर कार्यरत, इतिहास विभाग। जी, तो कब आए यहाँ कानपुर, या शुरू से कानपुर में ही रहे? नहीं, पहले तो मैं लखनऊ में रहा, अग्रसेन इंटरमीडिएट कॉलेज चौक लखनऊ, फिर वहाँ से सन 2004 में मैं स्थानांतरित होकर कानपुर आया। अच्छा जी। तो और भी परिवार में सब लोग किस व्यवसाय में रहे, पिताजी क्या करते रहे? पिताजी हमारे शिक्षा विभाग में ही रहे, जनजाति विकास कल्याण में विभाग में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत रहे जी। और मेरी पत्नी खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज हरजिंदर नगर जी, मैं सहायक अध्यापिका पद पर कार्यरत, इसी विषय में, इतिहास में ही है जी? नहीं, गणित विषय में। गणित विषय, बहुत अच्छी बात है अवस्थी जी। मैंने सुना है कि रीचिंग टू अनरीच्ड कार्यक्रम के तहत आप कोई सामाजिक प्रक्रिया करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम चलाते हैं, वो क्या है, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताइए। जी, हमारा ऐसे कानपुर में देखा गया कि ऐसे बच्चे जो सड़क के किनारे, ऐसे परिवार जिनमें झुग्गी झोपड़ी, पर्दा डाल के, टीन सेट डाल के वो रहते हैं और अस्थायी जीवन जीते हैं, तो ऐसे अस्थायी घुमंतू परिवारों के बच्चे प्रायः शिक्षा से वंचित रहते हैं, या तो वो एडमिशन ही नहीं लेते स्कूलों में, या लेते भी हैं तो उन, क्योंकि उनका जीवन अस्थायी है, थोड़े समय बाद वे शिक्षा से कट जाते हैं, उनका नाम अलग हो जाता है विद्यालय से, तो उनकी शिक्षा बाधित हो जाती है। ऐसे बच्चों को विद्यालय से औपचारिक रूप से जोड़ने का कार्यक्रम, उसके तहत दो कार्यक्रम हमने शुरू किए। एक कार्यक्रम शुरू किया रीचिंग टू अनरीच्ड, ऐसे बच्चे जिन तक सरकारी प्रयासों के बावजूद अभी तक पहुंच नहीं बन पाई है, जिनको विद्यालयों से औपचारिक रूप से नहीं जोड़ा जा सका है। दूसरा, ऐसे बच्चे जो जिनकी बीच में पहुंचे तो वो औपचारिक रूप से जुड़े विद्यालयों से, लेकिन अस्थायी जीवन के कारण वो बीच में शिक्षा से कट ऑफ हो गए, तो ऐसे विद्यालयों को, ऐसे बच्चों को उनके विद्यालयों में उसी कक्षा में प्रवेश दिलाना और उनका मानसिक स्तर उस कक्षा के अनुरूप बनाना, इसके लिए हम निःशुल्क पढ़ाते भी हैं, शिक्षा भी देते हैं उन बच्चों को, और उन बच्चों का मानसिक स्तर उस कक्षा के लायक बनाते भी हैं। अपने साथ इसमें हमने बहुत सारे अध्यापकों को भी जोड़ा, अपने जो सहयोगी जो वाकई में काम करना चाहते हैं निःशुल्क। और लेकिन यहाँ भी ये समस्या आती होगी कि जब वो बच्चे बीच में कहीं और जाके रहने लग गए, उनके परिवार कहीं और स्थानांतरित, फिर कैसे उनको जो है, आप कैसे कंटिन्यू करते हैं? हाँ, उनको एक तो उनके अभिभावकों को से हम बात करते हैं कि इस तरह का अगर वो चाहते भी हैं तो बीच में बच्चों को ना हटाएं, इसके लिए उन बच्चों को या तो किसी ऐसे बहुत सारी संस्थाएं चलाती हैं हॉस्टल्स, जो निःशुल्क भोजन देना, उनको रखना, तो उनसे, उनके सुपुर्द करते हैं, या कई बार ऐसी स्थिति आती है कि उनको समझा के कि जब ये सेशन निकल जाए तो आप स्थानांतरित हो और वहां बच्चे का एडमिशन कराएं, इस तरह का प्रोत्साहित करते हैं इस तरह से, तो काफी सुधार भी आया है इसमें। तो क्या कुछ ऐसा हुआ है कि साल भर लोग उसी क्षेत्र में रहते हो? क्योंकि मेरे विचार से कि मान लीजिए कोई एक बंजारा प्रजाति है जिसने अपनी झुग्गी झोपड़ी लगाई है सड़क के किनारे जी, तो ऐसा तो होता ही हुआ कि कभी नगर निगम के अतिक्रमण के कारण या कभी उनके अपने व्यवसाय बदलने के कारण उनको तो किसी भी कीमत पे जाना ही है वहां से,
तो ऐसे लोगों के लिए स्थायी कैसे हो सकता है, कैसे रह पाते हैं ऐसे लोग? इसमें इसमें क्या हुआ कि ये चीज देखी गई खासतौर से सेंट्रल कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने एक घटना है कि हमने देखा कि वहां पे जब अतिक्रमण हटा तो उनको हटाया गया, लेकिन क्योंकि हमारी उनसे बात होती रहती थी, बराबर संपर्क बना रहता था, तो उन्होंने क्या किया कि जब उनको हटाया गया वहां से तो वो जो अस्थाई आवास बनाए सरकार ने उनमें जाके रहे, लेकिन बच्चों को नहीं हटाया, बच्चों को पढ़ाया जब तक उनके क्लास पूरे नहीं हो गए। जब उनकी शिक्षा को वो क्लास पूरा हो गया तो जाके अपने गांव में गए या जहां भी उनको काम मिला वहां गए, लेकिन मैं देखता रहा, मेरी अपनी निगाह बनी रही कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, तब तक नहीं हटाया। बहुत अच्छी बात है, इस तरह का बहुत अच्छी बात है। एक और भी प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि चूंकि ऐसे लोग जो स्थायी नहीं है, अस्थायी रूप से रह रहे हैं, तो सरकार के हिसाब से भी उनके पास आधार कार्ड नहीं होता, राशन कार्ड नहीं होता, परमानेंट एड्रेस की बहुत सारी परेशानी होती है, बैंक अकाउंट नहीं होता है, तो ऐसे में वो जिंदगी सेटल कर पाते हैं, मतलब रेगुलर पढ़ा पाते हैं बच्चों को, या वो बच्चों को स्थायी रूप से वहाँ रख पाते हैं? ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती होंगी ना कि भाई बच्चे का आधार कार्ड नहीं है या परिवार का आधार कार्ड नहीं है, तो हम ये सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी या सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, तो क्या करते हैं? हाँ, ये एक समस्या कब रहती है जी, कि बच्चे का आधार कार्ड ना होना या परमानेंट एड्रेस ना होना, आधार कार्ड नहीं होता, परमानेंट एड्रेस ना होना उनका, ये एक समस्या अवश्य रहती है। लेकिन उससे कहीं दाखिला उनका औपचारिक रूप से विद्यालय में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनका दाखिला हो जाएगा और उन बच्चों का अकाउंट भी विद्यालय के बेस पे खुलेगा। अच्छा। उसमें उसमें उनके उनके टेम्परेरी एड्रेस को वहां का प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य सर्टिफाई करता है और बैंक इस बिहाफ पे उनका अकाउंट खोल देता है, अकाउंट खोल देता है। तो उनको जो मिलने वाली सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की वो मिलने लगे। अच्छा, और भी एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन ऐसा होता है कि जो गांव किनारे प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ के जो अभिभावक हैं वो मिड डे मील के चक्कर में लालच में बच्चों को स्कूल भेजते हैं जी। तो जो गांव का स्थायी आदमी है वो मिड डे मील का लालच करता है जी। तो ये जो बन जा रहे हैं तो प्राय अपने बच्चों से ही काम करवाते हैं, इनके साथ भी यही समस्या आती होगी? हाँ, ये समस्या ये मिड डे मील प्रोग्राम ही इसीलिए है कि बच्चों का जो ये भोजन की दोपहर की समस्या है कि वो नाश्ता कहाँ करें जाके, या घुमंतु परिवार प्राय मांग के खाते हैं या ऐसे, तो वो समस्या एक हो जाए और ये उन्हीं बच्चों के लिए मिड डे मील है ठीक, कि उनको दोपहर के नाश्ते या भोजन की दिक्कत ना हो और वो खाएं और इसी उसमें प्रेरित होकर वो आवे भी विद्यालय, ये एक समस्या न बने कि नाश्ता कैसे करेंगे, भोजन कैसे करेंगे दोपहर का, तो इस वजह से ना आ रहे हैं। कब से कर रहे हैं ये कार्यक्रम आप, कब से आपने शुरुआत की कार्यक्रम? सर, ये कार्यक्रम 2005 से शुरू किया मैं, अपने काफी समय मैंने अपने पिताजी के साथ, हमारे पिताजी जनजाति विकास विभाग में खासतौर से उत्तराखंड के जो क्षेत्र विद्यालय थे, आश्रम पद्धति विद्यालय जो जनजातियों के लिए थे, घुमंतु लोगों के लिए थे, अस्थायी परिवारों के लिए थे, तो उसमें वो सहायक अध्यापक थे, मैं प्राय उनके साथ हॉस्टल जाया करता था, तो मैंने वहाँ ये इस तरह के बच्चों को देखा। मैं जब 2005 में कानपुर आया तो मैं मुझे वही स्थिति यहाँ भी दिखी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे, चाहे वो कानपुर सेंट्रल की बात हो, चाहे जाजमऊ के वो घाट के किनारे की बात हो, चाहे वो मेथोडिस्ट के सामने जो रेलवे लाइन के किनारे बसी हुई बस्तियां हो, चाहे जरीन चौकी से जब आप गोल चौराहे की तरफ बढ़े तो बाई तरफ की बस्तियां हो, या गंगा बैराज के किनारे की भी वो अस्थायी बस्तियां हो, इस तरह कानपुर में स्थितियां हैं। तो मुझे लगा कि इन लोगों के लिए काम करना चाहिए। और दूसरा, जब मैं अपने विद्यालय आया स्थानांतरित होके, तो वहां की छात्र संख्या लगभग 200 से भी कम थी जी, लगभग विद्यालय बंद होने के कगार पे था क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं थे, टीचर्स थे, स्टूडेंट नहीं थे। तो मैंने देखा कि यहाँ पे शिक्षा का काफी अभाव भी है और लोग बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, आखिर उनको क्यों नहीं प्रेरित किया जाता। तो मुझे लगा कि ऐसे बच्चों के बीच जाके उनके माता पिता अभिभावकों भी समझाना चाहिए और बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए। कई बार होता है कि बच्चों की कुछ समस्याएं होती हैं, कापी किताब की है जो भी, तो किताबें तो सब निःशुल्क मिल ही जाती हैं अब तो सरकार के द्वारा जी, कापियों की कुछ समस्या जरूर रहती है। तो तमाम ऐसे स्वयंसेवी संगठन भी हैं, हम स्वयं अपनी तरफ से कई बार होता है कि बच्चों को निःशुल्क कापी किताबों का वितरण हम लोग भी करते हैं अपने उससे,
तो ऐसे बच्चों को हम सहायता भी करते हैं कि ऐसे बच्चे विद्यालयों से औपचारिक रूप से जुड़े और उनकी जो शिक्षा का कार्यक्रम है जो सरकार चाह रही है तो वो ये पूरी हो सके। अच्छा, रीचिंग टू अनरीच कार्यक्रम आप चलाते हैं, इसके अलावा आप एक दीक्षा कार्यक्रम भी चलाते हैं। दीक्षा कार्यक्रम क्या है? दीक्षा कार्यक्रम ये है कि ऐसे बच्चे जिनकी बीच में पढ़ाई छूट गई, हमने बताया, अब ऐसे बच्चे अगर मान लिया कक्षा तीन में पढ़ाई छूटी, एक साल दो साल नहीं रहे पढ़ा उन्होंने, अब कक्षा तीन में जब दोबारा जाएंगे तो उनको उनका मानसिक स्तर उस लेवल का होना चाहिए तीन के लायक। तो ऐसे बच्चों को निःशुल्क और छुट्टी के दिनों में अलग से या शाम को उनके घर जाके ही वहाँ पे उनको पढ़ाते हैं हम लोग। बहुत अच्छी बात। और अपने साथ ऐसे बहुत सारे अध्यापकों को भी जोड़। कितने अध्यापकों को लगभग जोड़ के रखा है आपने? सर इस समय लगभग 100 के आसपास अध्यापक, 100 और 100 से ज्यादा अध्यापक हमारे पास हैं कि जो ऐसे कार्यक्रम में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये सब पूरा कानपुर देख रहे हैं या और बाहर भी आप इसको लेके जा रहे हैं? अभी तो ये कानपुर में हमारा कार्यक्रम चल रहा है जी, और आगे भी हम चाहते हैं कि कुछ आसपास के जिलों में जैसे उन्नाव है, फर्रुखाबाद है, इन जिलों में भी हम ऐसे कार्यक्रम चलाएं और अपने साथ लोगों को जोड़ें। कितने परिवार आज तक लाभान्वित हुए आपसे? लगभग लगभग परिवार तो नहीं कह सकेंगे लेकिन बच्चे जरूर कह सकेंगे कि लगभग हजारों बच्चों का कल्याण हुआ इसमें। हजारों बच्चे ऐसे रहे जो विद्यालय से औपचारिक रूप से जुड़े और उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्योंकि 2005 से कार्यक्रम चल रहा है, कहने वाला था, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कई जगह अब उनको नौकरियां भी मिल गई, सरकारी नौकरियां मिल गई या उनका जीवन बहुत ही सुखद हो गया है शैक्षिक रूप से और भारत के देश के एक जिम्मेदार नागरिक बन चुके। क्या ऐसे बच्चे हैं कुछ आपके संपर्क? जी जी, ऐसे बच्चे हैं संपर्क में और ये बच्चे प्राय मिलने भी आते हैं आज भी, वो मिलने भी आते हैं हमसे। चलिए बहुत अच्छी बात है। और अपने कुछ और बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्या कर रहे हैं लिखने पढ़ने में? कोई किताब वगैरह भी आ रही है आपकी? अभी सुना जी जी जी, हमारी एक किताब आ रही है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की जो डिफरेंसेस हैं, खास तौर से सामाजिक जो सुधार किए हैं उनके संबंध में एक किताब आ रही है हमारी इतिहास की। और ये जहाँ शोध छात्रों के लिए किताब बहुत अच्छी है, वही इससे और लोग भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, कंपटीशन के लोग भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, तो ये बहुत अच्छी किताब है। चलिए बहुत अच्छी आपने शुरुआत करी है उन बच्चों को पट्टी पर लाने के लिए, उन बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो कहीं से उनके पास रहने की दिक्कत है, उनके पास स्थायित्व की दिक्कत है, उनके अभिभावकों के पास ना तो जागरूकता है ना ही उनके पास कुछ बहुत अच्छा सा धनाढ्य वर्ग है जी जी। तो अगर ऐसे बच्चों के साथ आप काम कर रहे हैं और वो लोग अपने किसी मुकाम तक पहुंचे हैं तो आपको बहुत बधाई, हमारी तरफ से आपको पुनः बहुत ढेरों शुभकामनाएं और जल्दी ही हम लोग आपकी किताब का भी इंतजार करेंगे और फिर आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद, नमस्कार।